शाम नौकरी से वापसी पर बोझल कदमों से घर आया। काम की थकन से पूरा बदन दुख रहा था। आते ही अपने बिस्तर पर लेट गया। कमरे में लेटा देखकर अब्बू फौरन कमरे में आए और अहवाल पूछा। थकावट के बाइस मैंने उखड़े लहजे से जवाब दिया। अब्बू जेरे लब दुआ देते वापस लौट गए। थोड़ी देर बाद कमरे में बेगम आई तो मैंने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बहुत थका हुआ हूँ, अपने जिगर गोशों को देखूंगा तो सारी थकन उतर जाएगी। बेगम फौरन सहन में खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों को ले आई, जो आते ही मुझसे लिपट गए। मैं भी बच्चों के चेहरे देखकर अपनी सारी थकन भूल बैठा। अपनी शफकत पदरी उन पर निछावर करने लगा। लेकिन चंद लम्हों बाद ही वालिदे मोहतरम का झुरियों भरा चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा कि वो भी शफकत पदरी से मजबूर अपने बेटे को देखने आए थे, अपनी औलाद को देखने। अपनी शफकत पदरी निछावर करने, लेकिन मेरी बेरुखी के बाइस वो मेरे पास बैठ ना सके। इतना सोचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दम सीने में घुटता महसूस होने लगा। बच्चों को छोड़ा और दौड़ता हुआ वालिदे मोहतरम के कमरे में जा पहुंचा, जो अपनी चारपाई पर लेटे न जाने किन सोचों में गुम छत को देखे जा रहे थे। मैं उनकी चारपाई पर उनके कदमों में जा बैठा और उनकी टांगे दबाने लगा। अब्बू फौरन उठे और मुझे सीने से लगा लिया। ना जाने क्यों हम बाप बेटा फूट फूट कर रोने लगे। मैं तस्लीम करता हूँ कि ऐसी राहत मुझे पहले कभी नहीं मिली जो बाप के सीने से लिपट कर मिली। दोस्तों, हम अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं सिवाय माँ बाप की खुशियों के। पैसा तो हमारे माँ बाप ने भी सारी जिंदगी कमाया और हंसते हंसते हम सब पर लुटा दिया, ये जानते हुए भी कि वो कल बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना बचाया। आप सबसे दरख्वास्त है कि चंद लम्हे अपने माँ बाप के पास बैठ जाया करो, उनसे दुख सुख की बातें शफकत के साथ कर लिया करो। यकीन करो, दुनिया और आखिरत में फलाह पा जाओगे। इस तहरीर को इतना शेयर करें जितना अपने वालिदैन से प्यार करते हैं।